तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो एक बहुत ही इस खूबसूरत और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट येलो फ्लैक्स के ऊपर है। और येलो फ्लैक्स के ऊपर आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, ये प्लांट मेरी नर्सरी में भी आया था, आउट ऑफ स्टॉक भी कई बार हो चुका है, अभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो बहुत सारे लोगों ने ये प्लांट लगाया और उनके प्लांट जो है बारिश के दिनों में, कुछ लोगों के गर्मियों के दिनों में ख़राब हो गए। तो आज मैं उन पॉइंट के ऊपर बात करूंगी खास तौर पे, जिनकी वजह से ये प्लांट्स जो है सरवाइव नहीं कर पाए हैं। और ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बहुत सारे लोग अपने गार्डन में इसको जगह देना चाहते हैं पर जो है ठीक से केयर नहीं हो पाने के कारण ये ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इस प्लांट की केयर के बारे में बात कर रही हूँ तो ये है कि इस प्लांट को बहुत ही सॉफ्ट और वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, जिसके लिए आप जो है 30% सैंड, 30% कॉम्पोस्ट, 30% सॉइल और साथ में राइस हस ज़रूर मिला लें। तो बहुत ही सॉफ्ट मीडिया इसका तैयार होता है। जितना सॉफ्ट मीडिया होगा, जितना वेल ड्रेन इसकी सॉइल रहेगी ना, उतना इस प्लांट के लिए अच्छा रहता है इसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इस प्लांट को हल्का सा सॉइल में मॉइस्चर पसंद है। लेकिन सॉगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सॉगी होता है तो रूट रॉट हो जाता है और जो ये जो ब्रांचेज आप देख रहे हो ये काली काली हो के और ख़राब होने लग जाता है प्लांट। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप ये प्लांट लगाते हो तो मिट्टी के गमले में लगाएं और उसमें सेंटर में एक होल ज़रूर करें और साइड में कम से कम 3 से 4 होल्स करिए। प्लास्टिक के गमले में मतलब प्रेफर मत करिए कि लगाएं, अगर लगा ही रहे तब भी आप साइड में उसमें जो है होल्स कर सकते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहे और जो है जो रूट सिस्टम है वो ख़राब नहीं हो इस प्लांट का। वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को जैसे मैंने बताया कि हल्का सा मॉइस्चर पसंद है। अब आजकल के दिनों में जैसे अभी जो है ठंड ख़त्म हो रही है, स्प्रिंग आने वाला है कुछ दिनों में, तो इसको जैसे हम लोग बाकी सारे पौधों में कम पानी देते हैं, जैसे 2-3 दिन के गैप पर, मतलब चेक कर लेना है आपको जब भी पानी दे रहे हैं प्लांट को, आपको चेक कर लेना है कि ऊपर का जो है टॉप लेयर जो है ना ड्राई हो गई है कि नहीं हो गई है। अगर ड्राई हो गई है तभी पानी दें, और अगर नहीं आपको लग रहा है हल्का सा मॉइस्चर बना हुआ है तो पानी बिल्कुल भी ना दें। गर्मियों में वाटरिंग रिक्वायरमेंट सभी प्लांट की बढ़ जाती है तो इस प्लांट की भी बढ़ जाती है। गर्मियों में जो है एक दिन छोड़ के आप पानी दे सकते हो, मतलब ओवर वाटरिंग से बिल्कुल आपको बचाना है, कहने का मतलब यही है मेरा। और दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है लोकेशन, इस प्लांट को कैसी लोकेशन पसंद है। तो इस प्लांट के लिए जो है जैसे गर्मियों के दिनों में हमें इस प्लांट को थोड़ा सा बचाना है क्योंकि थोड़ा डेलिकेट प्लांट होता है ये, मतलब ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हाफ डे इसको जो सुबह की जो धूप होती है, सुबह से लेके 11-12 बजे तक की धूप मिल जाए, उसके बाद शेड आ जाए, ऐसी लोकेशन पे आपको इस प्लांट को प्लेस करना है। और सर्दियों के दिनों में आप इसे फुल सन में रख सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर फॉग है तो फॉग से बचाना है क्योंकि फॉग में क्या होता है कि पत्ते ख़राब होने लग जाते हैं। जैसे ये हरा भरा भी बना हुआ है क्योंकि मैंने थोड़ा ऐसे इसको नेट के नीचे रखा हुआ था सर्दियों में भी, ताकि इसके जो ये मतलब इसके लीव्स वगैरह हैं वो ख़राब नहीं हो। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे प्लांट में जो है पत्तियों से ज़्यादा जो है बर्ड्स वगैरह आते जा रहे हैं, यहाँ पर भी अगर मैं दिखा पा रही हूँ तो बहुत सारे बर्ड्स आते जा रहे हैं। और यही इसका फ्लावरिंग का सीज़न होता है, ये लेट जो है विंटर से लेके स्प्रिंग सीज़न में फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है और अर्ली समर में भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। इस प्लांट की जो है इन्फेस्टेशन इस प्लांट में नहीं होता है ज़्यादा, कभी कभी बहुत मतलब रेयर केस में आपको मीली बग्स या फिर सर्दियों में एफिड देखने में मिल सकते हैं, तो आप नीम ऑयल लिक्विड सोप का स्प्रे कर सकते हो, बाकी ज़्यादा इसमें इन्फेस्टेशन होता नहीं है। अभी आप देख ही सकते हो कि मेरा ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है कभी भी। एक बार इसमें मीली बग्स बस लगे थे, वो भी गर्मी में थोड़े बहुत ही लगे थे, तो मैंने इमीडा क्लोप्रेट स्प्रे कर दिया था, या फिर प्रोसेक्स स्प्रे कर सकते हो अगर एफिड्स लगते हैं तो। अब इस प्लांट की केयर की बात हो रही है तो ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम हम इस प्लांट को लगाएं, मतलब जो ट्रांसप्लांट करना है, अगर आप चाहते हो नर्सरी से प्लांट लेके आए हो तो कौन सा समय बेस्ट होता है इसे ट्रांसप्लांट करने का। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है इसका सर्दियों के दिनों में, आप इसको करिए। विंटर जब अच्छी खासी सर्दियाँ पड़ने लग जाएँ तभी आप, अगर जैसे आप बहुत सारे लोग मिट्टी चेंज करके मतलब मिट्टी उन्हें लगता है कि टाइट है या इस तरीके से कुछ भी है,
सॉइल लग रहा है कि हाँ मतलब ठीक नहीं है प्लांट के लिए। नर्सरी से ले तो आए हैं प्लांट, लेकिन सॉइल लग रहा है कि ठीक नहीं है। अगर चेंज करना चाहते हो तो आप सर्दियों में ही ये काम करें, गर्मियों में बिल्कुल भी ना करें, मानसून के सीजन में ना करें। जैसे बाकी प्लांट का हम लोग सोचते हैं कि समर में कर लेंगे या फिर मानसून में कर लेंगे, तो मानसून और समर दोनों ही में आपको इस प्लांट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। अगर नर्सरी से प्लांट लाए हैं, उसकी मिट्टी ठीक नहीं है, है ना, तो उसको ऐसा ही रहने दो, पॉली बैग में रहने दें, पॉट में रहने दें, सही समय का इंतजार करें और तभी आप इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करें। प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट में ये जो आप देख रहे हो, ये इस तरीके से जब फ्लावर्स पेंट हो जाते हैं तो इसमें जैसे हमारे थनबर्जिया प्लांट में गोल गोल सीड पॉट बनते हैं, उसी तरीके से इसमें भी बनते हैं। और ये जो है आपको मतलब अभी तो इसमें सीड पॉट मतलब अभी तो फ्लावर्स पेंट होने शुरू हुए हैं, अभी तो कोई भी सीड पॉट नहीं, नहीं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाती तो। लेकिन ये काले काले ऐसे गोल गोल से हो जाते हैं सीड पॉट, और या फिर आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हो। लेकिन कटिंग भी लगाने के लिए वही हिसाब किताब है जो कि मैंने आपको बताया, ट्रांसप्लांट करना के लिए है कि अगर आप करना है तो आप विंटर सीजन में इसे कटिंग लगाएं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी भी लगा सकते हो, जिन लोगों को कहीं से भी इस प्लांट की कटिंग मिल सकती है वो अभी लगा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में नहीं लग पाती है, बिल्कुल भी नहीं लग पाती है, मतलब जो एफर्ट्स हैं वो बेकार जाएंगे। मानसून में भी नहीं लग जाती है, इसकी कटिंग बिल्कुल भी मानसून में नहीं लग पाती है। इस प्लांट को क्योंकि हमेशा थोड़ा सा ठंडा सा एनवायरनमेंट पसंद होता है, तो इसीलिए जो है इसकी कटिंग वगैरह भी जो है उसी टाइम में ही हो पाती है। ग्रोथ भी जो है आप देख सकते हो, जो भी ग्रोथ का टाइम होता है, इसीलिए मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताती आई हूँ कि जब प्लांट की ग्रोथ का टाइम होता है, जैसे इस टाइम इसका फ्लावरिंग का सीज़न है, ये ग्रोथ कर रहा है, तो इसी टाइम इसकी कटिंग भी लग जाती है। तीसरा तरीका होता है इसे प्रोपोगेट करने का, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफ शूट्स निकलते हैं, इन्हें सेपरेट करके लगा सकते हो, भले इसमें थोड़ी थोड़ी सी रूट्स ही क्यों ना आए, तो वो भी प्लांट आपका जो है कटिंग या कह सकते हो ऑफ शूट, अगर किसी प्लांट की मैच्योर प्लांट की निकाल रहे हो तो वो भी लग जाएगी। मतलब इस समय इस तरीके से आप इस प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हो। ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं, ये येलो फ्लैक्स के ही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये सारे ऑफ शूट्स हैं। तो ये ऑफ शूट्स को ही ट्रांसप्लांट करके अलग पॉली बैग में लगाया जाता है, या फिर आप सीडलिंग तैयार करो तो उसे से इसे ग्रो किया जाता है। और ये मैंने इसी टाइम में ये काम किया, अराउंड 10 डेज बैक मैंने ये लगाए थे, और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से ये ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो नई पत्तियाँ भी आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक और ये येलो फ्लैग का, ये मैंने पॉट में लगा रखा है, मिट्टी जैसे मैंने बताया था ना वैसी बनाई हुई है। और ये मदर प्लांट है और इसको मैंने रिपोर्ट करना था तो अभी किया है कुछ दिन पहले, जिस दिन मैंने वो ऑफ शूट्स निकाले थे जो मैंने अभी पहले दिखाया वीडियो में, उसी दिन मैंने ये भी किया था। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से ये भी चल रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर।